In रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। तो आज की क्लास में हम वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, और वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं यूजर फॉर्म के। यूजर फॉर्म जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम यूजर फॉर्म के अंदर लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक आपका डेटा दिख रहा है, मुझे भी पूरा का पूरा डेटा क्या लिस्ट बॉक्स पे डाल सकते हैं? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेवलपर विजुअल बेसिक पे आया और यहां से हमने इंसर्ट किया यूजर फॉर्म। अगर डेटा बड़ा है तो हमने एक थोड़ी सी बड़ी यूजर फॉर्म ली। और यहां हमने लिस्ट बॉक्स ले लिया, ये जो लिस्ट बॉक्स है, और लिस्ट बॉक्स को ड्रैग कर। अब मुझे इस लिस्ट बॉक्स के अंदर अब इसमें कैसे डाल, तो जैसे कि हम नॉर्मली डालते हैं कि जो डेटा हमारा है A1 से लेके J254, तो इसकी रो सोर्स के अंदर हम जाएंगे। और यहां पे seat1 और A1 से J256 कर दिए। कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट। ए से जे, seat1/A1 से J254 टैब प्रेस किया, डेटा आया। बट डेटा तो यहां सिर्फ एक कॉलम का आ रहा है ना यहां पे सर, डेटा यहां सिर्फ एक कॉलम का आ रहा है, मुझे तो डेटा चाहिए पूरा का पूरा। तो कैसे होगा, तो यहां आपको दिखेगा कॉलम काउंट, दिख रहा है कॉलम काउंट, जिसमें डिफॉल्ट 1 है। तो मेरा कॉलम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब कि 10 है, 10 है ना, एक देख लेते हैं। हाँ 10 है, तो यहां हम कॉलम की काउंट 10 कर देते हैं, 10 करते हैं। जैसे यहां करेंगे आप देखिए आपके सामने डेटा आ गया, आ गया डेटा। अब इसको प्ले करेंगे तो यहां आपको पूरी की पूरी शीट की डेटा दिखेगी। इसमें एक चीज और भी है, इसको सिलेक्ट कीजिए तो यहां पे कॉलम हेडर फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू करूं तो यहां पे देखिए कॉलम एबीसी आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहां पे आता है कि कॉलम एबीसी आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉलम जो है और मेरा जो हेडिंग है ओ आर, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी तक मैंने वीवीए के रिसर्च में कॉलम हेडिंग के बारे में ज्यादा देखा नहीं। एबीसीडी आएगा, कॉलम हेडिंग का कोई चांस इसमें नहीं है सर।
अच्छा, इस पे देखूंगा मैं, बताऊंगा आपको सर। हालांकि इसका ऐसा है नहीं सर, मुझे इससे पहले दिमाग में आया भी नहीं। चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिस्ट आ गया, लेकिन मुझे पूरा का पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लिस्ट अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं, सर्च, और सर्च के अंदर मैं यहां पे टेक्स्ट बॉक्स दे रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मैं यहां लिखूं, और यहां बटन में आता हूं, इसके और बटन डालता हूं और गेट डेटा क्लिक करता हूं। ओके, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते आप देख सकते हैं कि जो डेटा मैं यहां डालूं, गेट डेटा करूं, वही डेटा यहां दिखना चाहिए। डिफॉल्ट यहां कोई डेटा नहीं होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो रो सोर्स है जो मैंने मैन्युअली डाला है उसको हटा दें, ठीक है? उसके बाद मैं यहां गेट डेटा पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहां पे एरे लेना होगा, यहां करते हैं कि डिम डी टी एज लॉन्ग। अब यहां पे हम करते हैं कि डी टी ब्रैकेट ओपन वन, यहां पे वन कॉमा वन इक्वल टू हमने दिया नेम। बस मुझे देखना है कि लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेगा। मुझे यहां पे डिफाइन करने होंगे, तो यहां पे 1 to 500 रो ले लिया हमने, और कॉमा 1 to 10 कॉलम। यहां पे रो एंड कॉलम डिफाइन करने होंगे सर, ठीक है? अब यहां पे देते हैं लूप का फॉर्मूला कि बट फोर आई उसमें बोलिए कॉलम और कॉलम रो और तो सर रो तो कितने सर भी हो कितने भी सकते हो हैं ना। सकते हैं, लेकिन सर यहां पे फिक्स करने, यहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डायनेमिक नहीं हो भाई। डायनेमिक नहीं हो भाई, नहीं सर। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना कि आप ए ले लीजिए 1000 2000, एक लिमिट से ज्यादा ले लीजिए ना, कि हाँ आपके अंदाजन कितना मैक्सिमम आता है उससे ज्यादा ले लीजिए। ओके क्या ओके 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 तो ऐसा यहाँ पे हाँ नहीं है कि ठीक है आपने ठीक है। दस दस रो 100 रो के 100 रो भी डेटा होना चाहिए, डेटा कम ज्यादा भी चलेगा उससे मतलब नहीं, ओके ओके ठीक ठीक है? है ठीक है। तो यहां पे लिख दिया हमने आई इक्वल टू 1 to रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो और मैक्स आई। फिर इसके अंदर कि फोर जे इक्वल टू चले 1 to 10, तो 10 कॉल है इसलिए। अब यहां पे हम करते हैं डी टी, तो नेक्स्ट डे कर दो। हाँ नेक्स्ट। अब यहां पे डालने से पहले मुझे यहां पे देने होंगे लो कंडीशंस कि इफ मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल, सेल में आई रो एंड वन कॉलम डॉट वैल्यू, देन यहां पे आर इक्वल टू आर प्लस वन, और फिर यहां पे हम करेंगे डी टी, आर हमारा रो होगा और कॉलम जो होगा हमारा जे होगा, इक्वल टू सेल्स आई रो होगा और जे कॉलम होगा।
डॉट वैल, और सारे वैल्यूज के ऊपर लोड हो जाएगी। फिर यहां आपको लिखना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इक्वल टू डीटी। अब इसको यहां पर रन करते हैं, यहां पर हम डालते हैं पूजा और गेट डेटा। अच्छा यहां पे एंड इफ नहीं लगा ना मैंने, एंड इफ टाइप मिसमैच। अच्छा एज ए लॉन्ग है ना, यहां पे मुझे एज ए वेरिएंट करना है। आगे पूजा की डेटा पर ऊपर हेडिंग नहीं आया, तो हेडिंग कैसे लगा? क्या हुआ? कुछ मैसेज ठीक है। अब यहां पे एक काम और करते, इसको मैं एक बार हटा कर देखता हूं। यहां पे डालता हूं पूजा, नहीं यहां पे मुझे डालना ही पड़ेगा रेंज, तो डालना ही पड़ेगा। अब बात आती है हेडिंग के लिए, तो हेडिंग कैसे ले? तो यहां हम एक और लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल फोर जे इक्वल टू चले वन टू टेन, और यहां पे नेक्स्ट जे, और यहां पे हम करेंगे जे से डी टी, डी टी में वन रो फिक्स है और जे कॉलन हो जाएगी हमारी, इक्वल टू सेल्स, यहां भी वन रो फिक्स है और हमारी जे कॉलन हो जाएगी डॉट वैल। लेकिन यहां मुझे आर इक्वल टू वन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फिर नीचे वन आर ब्लैंक होगा, ब्लैंक प्लस वन वन होगा, तो हीडर को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे हमने पूजा किया और गेट डेटा, गेट डेटा में देखिए हमारा हेडिंग भी आप ठीक है, क्लियर है? तो कंडीशनल डेटा हम यहां ले ला सकते हैं। अब मैं यहां पे दो देना चाहता हूं, दो कंडीशनल ठीक है। अब यहां पे मैं देना चाहता हूं टेक्स्ट बॉक्स में सर्च सिटी, सिटी ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे हम आप लोगों को कुछ काम देने वाले हैं ठीक है। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे सर्च में नेम और सिटी डालें, उसके हिसाब से डेटा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहां हमने जो इफ कंडीशन लगाया है इसी के अंदर हमें क्या करना है, एंड एंड जी हाँ बिल्कुल एंड कर दो।
हैंग। तो एंड के अंदर मी डॉट टेक्स वर्क्स टू डॉट वेल इज इक्वल टू सेल्स आई रो एंड टू कॉलम्स डॉट वेल। ठीक है, अब यहां रन करते हैं इसको। रन में मैंने यहां पे पूजा और यहां पे हमने सिटी में पुणे ले लिया। ठीक है, फिर अब हम गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। दो कंडीशन मैच कर दिया, समझ में आया अरुण जी? हाँ सर, हाँ सर, यस यस। आपको हो जाए जी? जैसे क्या सर? सिटी हम सिलेक्ट करें, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि जगह ड्रॉप हाँ, आउट तो वो मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना आपको, मैंने इसकी वीडियो ही भेजी थी सर, जो देखा था आपने। ड्रॉप आउट आपको मैंने ड्रॉप कल डाउन एक ड्रॉप ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन का डाउन वीडियो भेजा है ना कल मैंने आपको, एक ड्रॉप क्लास की के वीडियो एक, भेजी थी लास्ट वाली क्लास का था। हाँ क्लास के एक वीडियो भेजी ना आपको मैंने। हाँ हाँ सर, वो सर, वो लास्ट क्लास लास्ट का क्लास भेजा का था आपने, भेजा था उसमें ना, ड्रॉप उसमें डाउन तो ड्रॉप नहीं है डाउन सर। तो नहीं मैं हुआ है। आपको मैंने एक यूट्यूब का लिंक भेजा था। यूट्यूब तो नहीं था, पर नहीं कुछ उसमें अलग से था, कोई डीएक्स कोई फाइल थी अभी अलग, मैं बता नहीं, देता हूँ सर। यूट्यूब यूट्यूब का लिंक मैंने भेजा नहीं है आपको। नहीं नहीं सर, सर, वो नहीं आई सर। नहीं। यूट्यूब का लिंक नहीं, सॉरी फाइल ये भेजा है मैंने आपको। ये तो गलत चला गया था, बताया था इग्नोर करना। एक फाइल एक वीडियो भेजी नहीं आपको मैंने कल? हाँ सर, हाँ देखा सर, था ये तो। देखा था ये तो अब लास्ट इसके क्लास लास्ट थी सर क्लास थी अपनी, सर हमारी अपनी लास्ट हमारी लास्ट क्लास। क्लास। हाँ, इसमें लिस्ट बॉक्स ही बताया था ना आपको मैंने। इसमें यूजर इसमें फॉर्म यूजर फॉर्म लिस्ट नहीं लिस्ट बताया था। नहीं बताया, नहीं कॉम्बो बॉक्स बताया था इसको मैंने आपको। इसमें नहीं, इसमें कॉम्बो नहीं, बॉक्स नहीं कॉम्बो बताया बॉक्स नहीं। क्या सर, इसमें। इसमें सर वो इसमें सर बताया वो था बताया था डाटा एडिट डेटा करना, एडिट ऐड करना, ऐड करना करना और सर्च और करना, सर्च करना। ओ, मैं आईडी गलत से वीडियो आईडी से। भेज गलत वीडियो भेज दिया मैंने। हाँ चलिए ये मैं भी हमारी, एक ये लास्ट क्लास लास्ट हुई थी। क्लास हुई थी समझ गया। आपको तरुण जी पता है ना? हाँ मेरे को हाँ पता है मेरे को सर, पता है वो सर, मैंने वो किया है मैंने ना, किया है ना, आपको भेजा है आपको ना वो भेजा है फाइल। ना वो फाइल। मैं वीडियो भेज रहा हूँ सर, ठीक है ना? ठीक मैंने भेजी हाई है, भेजी ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कॉम्बो बॉक्स पढ़ाया है। मुझे लगा कि मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, आप देख लीजिएगा, आज के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मैंने गलत वीडियो भेज दिया आपको, माफी चाहूंगा। सर, मुझे ही फॉरवर्ड मुझे कर दो। फॉरवर्ड, हाँ बस कर दे रहा हूँ, ये हो जा रहा है तो फॉरवर्ड कर देगा। तो आपको ही भेजता हूँ जय जी, क्योंकि आपको मैंने भेजा नहीं था ना, गलत भेज दिया था। हाँ सर, हाँ सर, ठीक। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा, इसमें मैंने कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बॉक्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ठीक तो वो चीज आप यहां पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन मैं आज जो देने वाला हूं कुछ और देने वाला हूं। तो मुझे यहां पे क्या करना है कि इसी तरह का आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है ना, जहां पे कॉम्बो बॉक्स लगा दे या फिर आप चेक बॉक्स लगा दे, जब सर्च करे तो डेटा है। अब मुझे मान लीजिए कि इस डेटा को चेंज करना है, ठीक है ना, मुझे इस डेटा को क्या करना है, चेंज करना है। तो इस डेटा को चेंज करने के लिए मैं जस्ट इस पे डबल क्लिक करूं तो एक और यूजर फॉर्म खुल जाए जहां पे हम चेंज कर सकें, और चेंज जो है मेरे डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहा है।
ओके ठीक है, हो ओके ओके सर, ट्राई जाएगा सर। करेंगे ट्राई इसको। करेंगे तो। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है सर। तो इसको कीजिए सर, इसके बाद आगे की तरफ चीजें पढ़ाऊंगा, ये जरूरी है सर। ठीक है अरुण ठीक जी, क्या करना है समझ में आ हाँ गया? ठीक है सर, हाँ सर, हाँ सर, कि मुझे क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने लिस्ट बनाया, देखा आपने, तो आपको उसको एडिट करने की भी जरूरत पड़ सकती है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो कम हो, जब मैं उस पर डबल क्लिक करूं तो मुझे किसी और सीट से पूरी की फुल्ली इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ओके ओके सर, ओके सर। समझ रहे हैं ना मैं क्या करना चाह रहा हूं? एक मतलब इस पे मतलब डबल इस क्लिक डबल करके क्लिक एक और करके एक और यूजर यूजर फॉर्म यूजर खुलना फॉर्म चाहिए खोलना और चाहिए उसमें और डिटेल हाँ आनी थी। डिटेल आना चाहिए। तो दो चीजें कर सकते हैं आप, एडिट नहीं कर पा पाए तो ये कीजिए कि आप दो सीट बनाएं, एक सीट पे डेटा आपका समरी हो और दूसरे सीट पे आपका डेटा डिटेल्स हो। जब डबल क्लिक करें तो दूसरे सीट का डिटेल डेटा यहाँ आना चाहिए। ओके अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों एग्जाम्पल करेंगे या कोई एक एग्जाम्पल करें। ठीक है, ठीक चलिए इसको कीजिए, कल मिलते हैं। और अरुण जी, मुझे आपकी फाइल मिल गई है, लेकिन आज पूरी दिन क्लास थी, इस कारण से टाइम नहीं मिला। मैं टाइम निकाल के देखता हूँ सर। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक हाँ है, ठीक है ओके ठीक है सर, ओके चलेगा, सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कल क्लास चलो हो जाएगा। ओके।